तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि नोटबुक के पेज को कैसे बनाया और उसको कैसे प्रिंट किया जा सकता है, वो भी एमएस वर्ड प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे नोटबुक पेज को बनाया है, डिज़ाइन किया है, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। आप भी इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और बीच में वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आगे जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको नोटबुक के पेज को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नए फाइल को लेते हैं। नया फाइल लेने का शॉर्टकट होता है Ctrl+N। हमने यहाँ पे नया फाइल लिया। अब दोस्तों, हमको सबसे पहले नोटबुक के पेज को बनाने के लिए हमको पेज का सेटअप करना पड़ेगा। जो हमारा ये पेज है, इसका सेटअप करना पड़ेगा। तो पेज के सेटअप करने के लिए हमको आना है लेआउट टैब पे। लेआउट टैब पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे साइज़ वाले कमांड के अंदर और यहाँ पे हम मोर पेपर साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के पास दोस्तों हमको तीन ऑप्शन मिलेंगे। हमको आना है मार्जिन्स के ऊपर और यहाँ पे दोस्तों जितने भी मार्जिन्स दिखाई दे रहे हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, इनको सिलेक्ट करके कर लेना है जीरो। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सबको कर लेंगे जीरो। यहाँ पे हमने सबको जीरो कर दिया। अब करेंगे दोस्तों ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का कुछ इस तरह का अगर कोई नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा तो दोस्तों आप यहाँ पे सिंपल से इग्नोर वाले आइकन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे जो पेज का कर्सर है वो बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ब्लिंक कर रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आ जाना है इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक कमांड देखने को मिलेगा, टेबल कमांड। तो इस टेबल कमांड के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बस रो को लेना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे किसी भी एक कॉलम को नहीं लिया, हमने बस रो को सिलेक्ट किया और कर देंगे ओके। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टेबल कमांड से पेज पे अपने टेबल को इंसर्ट करेंगे, वैसे ही दोस्तों हमारे पास दो और नए टैब ऐड जाएंगे। पहला डिज़ाइन है, दूसरा लेआउट। इन दोनों टैब से हम केवल जो हमारे टेबल्स हैं इनको हम लोग डिज़ाइन टैब से डिज़ाइन कर सकते हैं और लेआउट टैब से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक आइकन दिखेगा। इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों सारा टेबल आपका, जितना भी रो होंगे वो सब एक साथ क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल से आना है होम टैब पे। होम टैब पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक कमांड दिखेगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2.0 के ऊपर क्लिक कर देना है। 2.0 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको सिंपल से दोस्तों करना क्या है, पहले तो यहाँ पे ऊपर से कुछ जगह छोड़ देना है। इस तरह से आएंगे और ऊपर से कुछ जगह छोड़ देंगे। इसको क्लिक करके बस नीचे की तरफ आपको ड्रैग करना है। यहाँ पे थोड़ा सा और छोड़ देते हैं। अब दोस्तों अब यहाँ पे आएंगे सबसे लास्ट वाले रो में, अपने कर्सर को क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ पे अगर यहाँ पे जब कर्सर ब्लिंक करने लगेगा तो दोस्तों आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड में केवल टैब की को प्रेस करना है। जितने बार टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हमारा जितने बार हम टैब की को प्रेस कर रहे हैं उतने बार एक एक रो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करते जाना है और सबसे लास्ट में यहाँ आने के बाद आपको रुक जाना है। अब करेंगे दोस्तों तो हमारा एक नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमको नहीं करना है, अब यहाँ पे हमको इसको बंद कर देना है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे ऊपर और ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको एक लेना है लाइन। अब उस लाइन को लेने के लिए हम आएंगे दोस्तों इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहाँ पे शेप्स के ऊपर आएंगे, सेकंड ऑप्शन हमको मिल जाएगा दोस्तों लाइंस। इसी लाइंस में जो पहला वाला लाइन होगा इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे क्लिक किया तो माउस का पॉइंटर चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमको लाइन को ड्रॉ करना होगा यहाँ पे दोस्तों हमको शिफ्ट बटन प्रेस कर लेना है। शिफ्ट बटन प्रेस करने से दोस्तों जो हमारा लाइन ड्रा होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा, बिल्कुल सीधा। अब दोस्तों हमको करना क्या है, पहले हम छोड़ेंगे अपने माउस के पॉइंटर को, उसके बाद शिफ्ट वाले की को। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने एक लाइन ड्रा हो चुका है और उसको हम लोग कर लेते हैं पेज के अंदर। अब दोस्तों इस लाइन का जो कलर है उसको हमको करना है रेड। तो उसको करने के लिए यहाँ पे हमको फॉर्मेट टैब के अंदर शेप आउटलाइन का एक कमांड दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों इसके आउटलाइन के ऊपर हमको रेड कलर कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमको इसी का एक डुप्लीकेट लेना है। तो डुप्लीकेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सिंपल से अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे
और जैसे कंट्रोल को होल्ड करके इस कर्सर को इस लाइन के ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो आपको लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए इसको ऊपर या फिर नीचे एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उसी का डुप्लीकेट उसके नीचे बन चुका है। इस पेज के लेफ्ट साइड में इसी तरह का एक और रेड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया। इसको करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लाइन को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम कुछ यहाँ पे ऐसे जगह लेंगे और उसके बाद शिफ्ट बटन को अपने कीबोर्ड में प्रेस कर लेंगे और उसको ऐसे ड्रा करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर पूरा नहीं एक बार में लेके जा सकते तो आधा लेके जाइए जहाँ तक दिख रहा हो आपको, उसके बाद छोड़ दीजिए। अब फिर नीचे आएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे फिर से शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे और उसको फिर से ऐसे ड्रैग करेंगे। ऐसे हम लोग इसको ड्रैग करते हुए लेके आएंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक और लाइन हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब दोस्तों जैसे हमने इसका कलर चेंज किया था वैसे हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और शेप आउटलाइन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे रेड कलर कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग वही काम दोबारा करेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे इसको इस साइड में एडजस्ट करके इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नोटबुक का आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। अब हमको यहाँ पे डेट एंड पेज लिखने के लिए एक बॉक्स बनाना होगा, राउंड रेक्टेंगल बॉक्स। उसको लेने के लिए दोस्तों आप आएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में आपको आना है और यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा शेप्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको एक राउंड रेक्टेंगल मिलेगा, उसको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर में आपको उस राउंड रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले काम हमारा होगा इसको एडजस्टमेंट करना, इसको जहाँ पे आपको लगाना होगा वहाँ लगा लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे दोस्तों शेप फिल के अंदर और इसमें कर लेंगे हम लोग नो फिल। तो इतना करने के बाद दोस्तों अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे हमको एक कमांड मिलेगा ऐड टेक्स्ट के नाम से, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले डेट। डेट लिखने के बाद यहाँ पे कुछ डॉट डॉट हम यहाँ पे दे देते हैं जो कि आपके कीबोर्ड में होता है, फिर इंटर करेंगे और अब यहाँ पे हमको लिखना है पेज, फिर से हम लोग डॉट डॉट दे देते हैं। अब इतना करने के बाद दोस्तों हमको इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से। उसके बाद आना है हमको यहाँ पे होम टैब पे, होम टैब पे यहाँ पे आपको स्पेसिंग दिख जाएगा, स्पेसिंग के अंदर क्लिक करना है और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है आपको, सिंपल से हम यहाँ पे जिसको हमने अभी लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका जो कलर है इसको कर लेंगे रेड और उसी तरह से बॉक्स वाले आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और आएंगे फॉर्मेट टैब में, शेप आउटलाइन को हम लोग कर लेंगे रेड। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो नोटबुक का पेज है बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है, बहुत ही आसानी से बन चुका है। तो आप भी इन सभी स्टेप को अगर फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से तो आपका भी इसी तरह से नोटबुक का एक प्यारा सा पेज बनके रेडी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।